Welcome back to yet another session of transducers. So in the last class, we studied about three types of transducers. The first one was a thermistor, and then we moved on to optocouplers and PDR, photo relay, etc. So today we are going to see pressure transducers. Pressure transducers mein sabse pehle pressure transducer, as you know, it's a passive type of basically it is a type of transducer which takes input as pressure change hota hai input mein kahin to wo output mein reflect hota hai in terms of electrical or other form of signals. Okay, so we will see the first type of pressure transducer, that is a capacitive transducer. Just a minute, give me a minute to keep it ready. And here we go. Capacitive transducer is the first type. I'll just share my screen to show you how it looks. So here, I hope you know what a capacitor is, right? Capacitor is a charging and discharging a component, semiconductor component hai wo. जिससे आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर सकते हो. एंड इट हैज गॉट टू मेटालिक प्लेट्स. दीज पिंक कलर्स आर टू मेटालिक प्लेट्स और बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है, राइट? डाइलेक्ट्रिक भरा है. एंड दिस एंटायर थिंग कैन बी यूज्ड एज अ प्रेशर. हाउ कैन इट बी यूज्ड एज अ प्रेशर ट्रांसड्यूसर? मतलब कहने का ये मतलब है, ये दो प्लेट्स में से कोई एक प्लेट हमको स्टैटिक करना है, मतलब फिक्स्ड रखना है. एंड दूसरी जगह डायफ्राम जैसे कुछ होगा, जहां पे अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, यहां से कुछ प्रेशर या धक्का लगा, तो दिस ये जो डिस्टेंस है ये चेंज होगा, राइट? मैं यहां से धक्का दूंगी तो डेफिनेटली डिस्टेंस कम होगा. फाइन, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस चेंज होगा क्या? हाँ, चेंज होता है. कैसे? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला कैपेसिटेंस. दिस I believe was there in class 11 also. Capacitance is based on the dielectric, that is epsilon 0 epsilon r, a, that is area of the plates. ये कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है उसके हिसाब से, area of the plate, and d, that is the distance between the plates. Okay, that means distance, this is d, this is small d, which is very very important in this case. Okay, now this entire, as you are seeing this, okay, so as stated earlier, this is on the basis of capacitance. Our capacitance kis cheezon pe based hota hai? It is based on basically these factors. Number one, permittivity, because dielectric medium hai. एंड डिपेंडिंग ऑन डायलेक्ट्रिक मीडियम, बस इतना आप समझिए कि डायलेक्ट उसके बीच में, सपोज मैंने दो प्लेट्स है, उसके बीच में मैंने कॉटन भरा है, ठीक है? बस इतना ही याद कीजिए, उसके बीच में मैंने कॉटन भरा है और वो कॉटन की कुछ वैल्यूज है, दैट इज नोन एज इप्सिलॉन जीरो एंड एप्सिलॉन आर. बस इतना समझिए, ठीक है? जस्ट इमेजिन इट लाइक दैट. सो दीज टू प्लेट्स, ये कितना चौड़ा होगा? जितना चौड़ा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, जितना पतला एरिया कम होगा उतना कैपेसिटेंस कम, ठीक है? जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना कम कैपेसिटेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेसिटेंस. ओके, सो इन चीजों पे कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस डिपेंड होता है. नाउ डिपेंडिंग ऑन दैट, this capacitive transducer is made. Okay, so this is how it actually looks like. If you can see, there is one static plate. Static plate matlab ye plate hilta nahi, isko hila nahi sakte aap, theek hai? This is a deflected diaphragm, that means over here this is a movable type. यहां से आपको प्रेशर आ सकता है, यहां से अगर आप प्रेशर डालेंगे तो डेफिनेटली वो डिफ्लेक्ट होगा, अंदर की तरफ पुश होगा, डेफिनेटली, है ना? जब प्रेशर नहीं है तब वो ये लेवल पे रहता है, इट इज इट एट दिस लेवल. मैं उसको धक्का दूंगी, यहां से प्रेशर दूंगी तो इट विल डिफ्लेक्ट टिल हियर, यहां तक आएगा. डेफिनेटली डिस्टेंस कम होगा इसका, डिस्टेंस चेंज होगा. एंड एज यू नो, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. कैपेसिटेंस भी
ज्यादा हो जाएगा. सो आउटपुट आपको किस तरीके से मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है आपको कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के फॉर्म में. दैट इज व्हाई दिस इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर. आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, कैपेसिटेंस के थ्रू मिल रहा है. एंड इट इज जनरली यूज्ड एज इन एन ऑसिलेटिंग सर्किट एंड देयरफॉर इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी और वैसे आपको आउटपुट मिल सकता है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैपेसिटेटिव ट्रांसड्यूसर. फाइन, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर. जो हमने अभी देखा कैपेसिटेटिव ट्रांसड्यूसर इज अ प्रेशर ट्रांसड्यूसर. द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर एंड द नेम ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज LVDT. नाउ इफ इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू जॉइन इंजीनियरिंग एंड ऑल, दिस इज अगेन देयर इन ट्रांसड्यूसर्स. So LVDT is very, very important because this is again a type of displacement transducer and the construction is such that it is used in a transformer. Okay, now what happens is primary and secondary are, I will show it to you how it is placed. They are placed serially. आपको अगर ये दिख रहा है, windings दिख रहे हैं आपको, तो ये है primary winding, ये है सेकेंडरी जो सीरीज में लगाया है बट इन ऑपोजिशन. वो सीरीज में जरूर है लेकिन वो ऑपोजिशन में है, उसके वोल्टेजेस ऑपोजिट है बट सेम है, सेम नंबर ऑफ वाइंडिंग नहीं, सेम नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग्स इन सेकेंडरी. ओके, सो दिस इज द प्राइमरी एंड दीज आर द टू सेकेंडरीज एंड द फुल फॉर्म ऑफ LVDT इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. Okay, and it's very, very important. Now, ye dekho, this is the core. This is the ferrite core, inside core. Now, this core can be displaced in, out, aise andar, bahar hote jayega. Now, you know that if with the winding and the core, when they come together, there is induced magnetic flux, right? Magnetic flux is induced. And induced EMF से we get voltage, right? EMF मिलता है आपको. EMF itself is electromotive force. So whenever, now in this case क्या होता है, this जो serially आपको primary secondary दिख रहा है आपको, primary ये जो है primary and secondary is over here. ये जो ferrite core है, this is allowed to go left and right. मतलब अंदर बाहर जाएगा. Now, जब वी ferrite core इधर है, when it is near the secondary, the EMF is induced more into this secondary winding. Now, when this goes over here into the B secondary का जो induced EMF है, वो यहाँ पे it will be in phase with this secondary. तो जहां जहां ये ferrite core जाएगा, वहां वहां का वो voltage in phase होगा and you will get the output. Okay, so actual output is things clear. Wherever this ferrite core is force देके उसको input in or out किया जाता है, that time the magnetic flux gets linked with that particular winding. अगर secondary के पास है वो core, तो secondary के साथ वो link होगा and you will get induced EMF from this one. If it, the ferrite core is over here, the magnetic flux will be linking over here and you will get the output in phase from the B secondary. तो जहां पे भी वो ferrite core आके उसके alignment में रहता है, the magnetic flux gets linked with that particular secondary and you will get the corresponding output. Okay, so this is how it actually looks like. Now I'll just show you some more things which will make it more clear. So as you can see on the screen, this is the core. Okay, this is the ferrite core. ये जो आपको दिख रहा है, ये जो left right को जा रहा है, left को जा रहा है, this is the ferrite core. Now blue color देखिए, जो अभी देखो ये blue color के winding के पास आ रहा है, तो आपको blue color का जो voltage है वो ज्यादा मिल रहा है. ठीक है, अब वो green की तरफ alignment हो रहा है तो वो green color का voltage ज्यादा हो रहा है. Okay, I hope वो clear है. जैसे wherever this ferrite core is going, over there the magnetic flux is linked and वो वाला जो winding का voltage है उसका ज्यादा होगा. ठीक है, and what will be the effective voltage?
the effective voltage will be equal to the difference between the two secondary voltage, and it is in phase with the voltage of the whichever coil it is. Okay, so just coil ke pass ferrite jo core hai, the core is coming in, and I won't say in contact, it is not in contact, coming near that particular winding, wo wala winding ka voltage zyada hoga. Okay, green ke pass aa raha hai to dekho green ka voltage badh raha hai, ब्लू के पास आ रहा है तो देखो ब्लू का वोल्टेज बढ़ रहा है. ओके, सिमिलर सेम वे. सो ये किसकी वजह से हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट कैसे? सो डिस्प्लेसमेंट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, देयरफॉर दिस इज अ ट्रांसड्यूसर डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट. LVDT, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसिस ट्रांसफॉर्मर. लीनियर क्यों? बिकॉज इट इज गोइंग इन स्ट्रेट लाइन ओनली. ये फेराइट, ये जो फेराइट जो कोर है वो कोर और कोई डायरेक्शन में जा रहा है क्या? नो, इट्स जस्ट गोइंग लेफ्ट एंड राइट, इट्स गोइंग इन स्ट्रेट पाथ, देयरफॉर लीनियर. इट इज वेरिएबल, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देयरफॉर वेरिएबल. डिस्प्लेसमेंट, इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट. एंड सिंस इट इज यूज्ड इन अ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर. ओके, सो आई विल शो यू वन मोर दिस थिंग. So if you can see the inner core, this is the inner core. As it is going towards the secondary, ye dekho green wala badhega, green wala line badhega. As it is going towards the blue side, blue wala badhega. But are they same? No, they are in, dekho quadrants alag hai, right? Quadrants alag hai. That means ek green wala idhar hai and blue wala idhar hai. So as the core is going this side, this particular green wala graph upar jayega. ओके, एज इट इज गोइंग दिस साइड, ब्लू वाला क्वाड्रेंट ज्यादा होगा. फाइन, सो दिख रहा है आपको ये कोर अभी ब्लू के तरफ जाएगा. ब्लू के तरफ जाएगा तो द अदर सेकेंडरी वाइंडिंग विल इंड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्सेस विल बी लिंक्ड. फाइन, द नेक्स्ट एंड द लास्ट, सेकेंड लास्ट वन मोर इज द थर्मोकपल इज ऑल्सो देयर. The next type of transducer is piezoelectric transducer. Piezoelectric, ये एक effect का नाम. अब in chemistry, you must have heard of certain crystals. Okay, if you have not heard, I'm just telling you, there are some materials in nature जिसके ऊपर आप pressure डालते हो तो they change, they distort, whenever you put pressure on certain crystals, you get some change in EMF, some change in voltage can be measured. Okay, some change in EMF is observed. This was observed by various scientists, and that is how ऐसे लगा लोगों को कि ठीक है, ये crystals हैं जैसे quartz, rochelle है. These crystals, when applied, given stress means pressure applied here, when force is applied, when pressure is applied, there is some change in them, there is some change in voltage across. If we measure, agar measure kiya humne voltmeter lagaya to there is some change in the EMF produced. So then why can't we use it somewhere? That was that was thought. So before going on to piezoelectric, the previous one which we saw, that is LVDT, linear variable displacement transformer, it can be used to identify magnetic fields, or it can it can be used as a primary transducer. Bahut sari jagah pe jahan pe where you can want to convert displacement into an electrical output. Okay, now in this piezoelectric, मैं जो बोल रही थी, ऐसा एक material है जिसमें crystals, asymmetrical crystalline materials is used, like quartz or rochelle. Now what scientists have observed that under pressure, these crystals have some change in EMF when measured. Obviously, आँखों के सामने तो नहीं दिखता ये. When did they observe this? Once the voltmeter was connected, experiments were held, and that is the time when they saw this. Now, when they saw this, when they understood this, then they thought of why can't we use it somewhere? Okay. Now, in this type of piezoelectric transducer, such crystals are used. So, crystals लगे हुए हैं ऊपर से नीचे, ये base है और यहाँ ऊपर एक covering है.
प्रेशर इज गिवन एंड वंस प्रेशर इज गिवन द अंदर के क्रिस्टल्स को भी प्रेशर हो जाता है एंड सम एंड एंड द चेंज द ईएमएफ द वोल्टेज इज मेजर्ड. ओके this emf which is generated at the output after putting the pressure it is directly proportional to how magnitude of the force how much force you are applying uske utna proportional voltage you will get at the output. Okay, now this the magnitude of the pressure is dependent on jo bhi agar aapko pressure related kuch applications hai. Okay, so you can use this over there, you can use it in ultrasonic waves के लिए यूज कर सकते हो. यहाँ पे जहां पे भी आपको प्रेशर रिलेटेड कुछ मेजर करना है यू कैन यूज दिस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. आई विल जस्ट शो हाउ इट वर्क्स. ओके ओके इफ यू कैन सी आई डोंट नो इफ यू कैन सी देयर आर स्मॉल डॉट 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 डॉट्स व्हिच आर इनसाइड दिस सर्फेस. सो दीज आर द असिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन मटीरियल्स लाइक क्वार्ट्ज एंड ऑल. ओके, नाउ दीज पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर, आपको ऊपर से नीचे से प्रेशर दिखाई दे रहा है तो वोल्टेज चेंज हो रहा है. देखो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रहा है ना. एज द प्रेशर इज गिवन द ईएमएफ अक्रॉस दोस क्रिस्टल्स इज चेंजिंग. दैट मींस जितना प्रेशर दोगे उतना वोल्टेज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, नाउ द चार्जेस डेवलप्ड आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैकेनिकल प्रेशर. जितना प्रेशर उतना वोल्टेज, जितना अगर कम प्रेशर है तो कम वोल्टेज आएगा आउटपुट पे. ठीक है, दिस इज नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड ये आप अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो. एंड दिस दैट इज वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. ओके, सो यू नो इफ यू वॉन्ट टू सेंड वेव्स इस पे ऐसे प्रेशर दो आउटपुट आ जाएगा एंड यू कैन सेंड द वेव्स आल्सो. ओके, एंड इट हैज गॉट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बट देयर इज वन प्रॉब्लम. ये जो क्रिस्टल्स है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है. टेम्परेचर अगर बहुत हाई टेम्परेचर में दीज क्रिस्टल्स डोंट वर्क प्रॉपरली, सो दे आर वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव. दैट इज वन डिसएडवांटेज. ये बहुत गर्मी है वो, देयर इज अ पर्टिकुलर रेंज फॉर दीज क्रिस्टल्स एंड दे वर्क ओनली इन दिस पर्टिकुलर रेंज. Okay, so this was about the piezoelectric. Fine, so they work on which effect? Principle is piezoelectric effect. Fine, and once the pressure is given niche se and upar se, they produce electric voltage. Fine, and that can be measured easily using any measure, a voltmeter. Okay, so that is how a pressure can be analyzed in the terms of voltage. Okay, now the last one is thermocouple. Only once they have asked, I just want to touch it. I wanted to do it with thermistor but I couldn't do it there, so I'm just joining it over here. Thermocouple. Now thermocouple is what I'm it's very easy. थर्मोकपल क्या है? एक एक्टिव टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, टेम्परेचर यूज होता है इनपुट पे. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज इट कंसिस्ट ऑफ टू अ पेयर ऑफ डिसिमिलर मेटल्स. ठीक है, दो मेटल्स को ये एक जॉइंट, यू कैन सी दिस पॉइंट, इस पे जॉइंट किया है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल्स. ओके, इट इज जॉइंट एट वन एंड एंड दिस इज नोन एज द हॉट जंक्शन. द टेम्परेचर सेंसिंग, जो सेंसिंग होता है वो ये जंक्शन पे होता है. ये एक मेटल है, ये एक मेटल. दिस इज मेटल वन, दिस इज मेटल टू. ओके, दिस आर टू वायर्स एंड जॉइंट टुगेदर. ओके, नाउ द अदर एंड व्हिच इज मेंटेन्ड एट, दिस इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दिस इज नोन एज रेफरेंस और कोल्ड जंक्शन. ओके फाइन, नाउ यू कैन पुट अ मीटर इन द सीरीज ऑफ दीज वायर्स. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट मे बी कनेक्टेड to the reference junction and the meter indicates how much temperature is sensed over here. This is known as thermocouple. Thermocouple, thermo matlab related to temperature, thermo, and couple means it will always come in and they will, it will always go hand in hand. Okay, so it is also known as Seebeck effect. I'll just tell you what the Seebeck effect. Okay,
सो जहां पे अभी ऐसे थर्मोकपल कहाँ पे सेंसिंग होगा, टेम्परेचर कहाँ पे, इनपुट कहाँ पे, यहाँ पे, ये इनपुट, ये वाला वो जंक्शन जो है वो सेंस करेगा थर्मो जो टेम्परेचर है. दिस इधर एक रेफरेंस होगा, हियर विल बी अ रेफरेंस एंड हियर विल बी योर रिकॉर्डिंग डिवाइस. इट कैन बी अ रेजिस्टर, रेजिस्टर के अग्रॉस अक्रॉस अ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लो, वोल्टेज मिल जाएगा. तो यहाँ पे टेम्परेचर सेंस करने के बाद अकॉर्डिंगली कंपेयरिंग विद द रेफरेंस यू विल गेट एन आउटपुट एंड दैट इज हाउ टेम्परेचर विल बी कन्वर्टेड इन टू सम अदर फॉर्मेट इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्रॉम देर यू कैन टेक द वोल्टेज. दिस इज नोन एज थर्मोकपल. ओके, सो दीज वर ऑल द टाइप्स. देर आर टू मोर टाइप्स, लाउड स्पीकर एंड गैस सेंसर, लेकिन वो कैंसल्ड है आपके सिलेबस में, सो यू नीड टू नो ओनली दिस मच. ओके, फील फ्री टू ड्रॉप इन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. थैंक यू.